तो दो वर्ड है आपके पास, आपके पास दो प्रीपोजिशंस हैं, और वो कौन से हैं? सिंस और फॉर। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास सिंस और दूसरा है आपके पास टाबरू, कौन सा? फॉर। अब इनको यूज कैसे करना है वो सुनो। अगर जहां से आपको पता चल रहा है कि वो एक्शन जो है वो चीज कब से स्टार्ट हो रही है, अगर आपको स्टार्टिंग पता चल रही है तो आप सिंस यूज करोगे। क्या सर ये जो रमेश है ना, मैंने कहा ये सर जो चिंटू है, मैंने कहा ये तो सर बचपन से ही नालायक है। कब से नालायक है? बचपन से। तो बताओ बचपन से क्या हो गया? कंफर्म पता चल गया भाई बचपन नेंका तका थी जब वो टाबर तो जय जो तो नालायक तो वो तो सीधो बांडे आवा करी, जैसे ही पैदा हुआ गया सीधा नर्स के भी लात मार दी थी सीधी, वो भी एकदम यू हॉस्पिटल में बमी। बचपन से क्या है? नालायक है। वो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है वो सुनो। ये जो टाइमिंग है ना सुबह से, ये फिक्स पता चल रहा है। देखो अपन को कैसे, कब से इंतजार कर रही है, तो मैंने कहा सुबह से इंतजार, सुबह से पता चल रहा है। लेकिन मैं ऐसे बोलूं, देखना ध्यान से, मैंने बोला रिया 3 घंटों से मेरा वेट कर रही है, रिया कई महीनों से मेरा वेट कर रही है, रिया कई दिनों से मेरा वेट कर रही है, रिया कई सालों से मेरा वेट कर रही है, तो यहां पर क्या पता चल रहा है? पता टाइमिंग का कब स्टार्ट, कब से उसने मेरा इंतजार करना शुरू किया ये पता नहीं चल रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो अपना लेक्चर कितने बजे शुरू हुआ? 9 PM। कितने शुरू हुआ? 9 बजे। अब माना कि ये लेक्चर चले कितना बजे तक? रात को 12 बजे तक अगर ये लेक्चर चले, तो बताओ जरा मुझे सर ने कितने बजे पढ़ाना शुरू किया? 9 बजे। तो सर रात को 9 बजे से पढ़ा रहे हैं। मैंने क्या बोला? सर रात को 9 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो बताओ 9 बजे से, यहां तुम्हें क्या पता चल गई? परफेक्शन पता चला, टाइमिंग कंफर्म पता चल रही है। कितने बजे से? 9 बजे से। लेकिन अब मैं ऐसे बोलूं, बताओ पढ़ाता रहा हूं मैं, तो 9 से बज गए 10 बज गए, 10 से बज गए 11। अब यहां पर ड्यूरेशन देखो, यहां पर फर्क पता चलेगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। 9 से 10 कितना घंटा हुआ? 1। 10 से 11 हुआ 1 घंटा, 11 से 12 हुआ 1 घंटा, तीनों मिला के कितने घंटे हुए टाबरो? 3 आवर्स, 3 आवर्स, 3 घंटे हो गए। अब मैं ऐसे बोलूं सर 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो क्या यहाँ ये पता चल रहा है कि कौन से 3 घंटे? सुबह वाले, शाम वाले, रात वाले, कौन से वाले? पता नहीं चल रहा। देखो ध्यान से, सर 3 घंटे से पढ़ा रहे हैं, क्या पता चल रहा है वो 3 घंटे कौन से? सुबह वाले के, शाम वाले के, रात वाले। लेकिन मैं ऐसे बोलूं सर 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, क्या बोलूं मैं? 9 बजे से। तो आपको स्टार्टिंग पता चल रही है, क्या पता चल रही है? स्टार्टिंग। सिंस कहाँ आएगा? जब आपको पता चल रहा है कि वो चीज कितने बजे से शुरू हो रही है, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर कहां पर आएगा? पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मान लो सर काफी देर से पढ़ा रहे हैं, सर कुछ देर से पढ़ा रहे हैं, कुछ देर कितनी होती है लो बताओ? यहां भी फिक्स नहीं है, क्या आएगा? फोर आएगा। तो मान लो मैं बोलूं जनवरी से पढ़ा रहे हैं, तो सिंस आएगा। सुबह से पढ़ा रहे हैं, सिंस आएगा। उसके बाद मैं बोलूं 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, सिंस आएगा। तो ये ऐसी हर चीज जहां पर आपको पता चल रहा है कि वो चीज शुरू कितने बजे हो रही है, तो वहां पर आएगा सिंस। और अगर वो पता नहीं चल रहा है कि ये कब से शुरू हुई है, तो वहां पर आप यूज करोगे फोर। तो देखो जरा यहां ध्यान दो, तो भाई वो सुबह से, तो यहां पर क्या आ जाएगा? रिया हैज बीन वेटिंग। वेटिंग के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन सिंस या फोर, बताओ क्या आएगा? यह आपको बताना है क्या आएगा, सिंस या फोर। तो बच्चों को पता चल गया सुबह से कंफर्म पता चल रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग मैंने इतना ही लिखा है, सिंस एम, समझ गए होंगे तुम भावना है। यहां मैंने क्या लिखा वो देखो, वे काफी देर से सो रहे हैं। क्या लिखा मैंने? वे काफी देर से सो रहे। अब क्या तुम बता सकते हो मुझे कि वो काफी देर कितनी है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा के कुंभकर्ण के जैसे के सोया है ना, उठा ही नहीं पता चल रहा है, काफी देर से मैं पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो बताओ सिंस या फोर क्या आएगा? सिंस आएगा क्या? फोर आएगा? फोर आएगा। क्या आएगा? फोर आएगा। आज मैंने बहुत कंफ्यूज किया था क्लास में, कई बच्चों के तो एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, ऐसे आंसर पलट दिए। यार तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मास्टर बोले कुछ भी कहे, जो रूल है उसको पकड़ के चलो। आगे बढ़ते, तो वे काफी देर से सो रहे हैं, वे को क्या बोलते हैं टाबरो? दे। अब यहां इंपॉर्टेंट बात, दे सिंगुलर है क्या प्लूरल? ये मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। अब यहां पर पीछे क्या है? वे काफी देर से सो रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय, टाइमिंग आ गई, तो क्या आएगा? हैज बीन और हैव बीन। और दे के लिए क्या आएगा? हैव। तो यहां पर टाबरू क्या हो जाएगा? दे हैव बीन। क्या हो जाएगा? दे हैव बीन। और वो क्या कर रहे हैं? कराटे खींच रहे, एकदम पड़े हैं अजगर के जैसे, और क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन स्लीपिंग। कब से सो रहे हैं? काफी देर से। तो बताओ फोर आएगा कि सिंस आएगा? फोर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फोर अ, क्या आ जाएगा? फोर अ लॉन्ग टाइम। क्या हो जाएगा? फोर अ लॉन्ग टाइम, वे काफी देर से सो रहे। बहुत सिंपल है टाबरू, बहुत सिंपल है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से समझते आराम से। मान लो सिंस और फोर,
सिंस और फोर अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लो राज सुबह से बीमार है। अब यहां पर तो देखो राज सुबह से बीमार है, तो अब क्या हो जाएगा, सुबह से पता चल रहा है, क्या हो रहा है, पता चल रहा है कब से बीमार है, सुबह से। तो बताओ टाइमिंग पता चल रही है, कंफर्म पता चल रहा है कब से बीमार है, सुबह से। तो आएगा सिंस, तो क्या बोलोगे, राज इज सिक, या फिर राज इज इल सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, राज इज इल सिंस मॉर्निंग। अब मैं ऐसे बोलू, रिया 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 दोपहर से, रिया दोपहर से कमरे में है, रिया दोपहर से कमरे में है। अब बताओ क्या होगा, दोपहर से, दोपहर फिक्स है क्या, नहीं है, मॉर्निंग फिक्स है क्या, नहीं है, इवनिंग फिक्स है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रिया क्या हो जाएगा, रिया इज इन द रूम, रिया इज इन द रूम सिंस आफ्टरनून, रिया इज इन द रूम सिंस आफ्टरनून। तो इस प्रकार से सिंस और फोर बहुत सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ दो। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर हुआ पूरा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। कुछ लोग तो सोचते हैं हम तो बाद में आराम से पढ़ेंगे, तो एक बात और ध्यान रखना कि तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, तेज तो वो होते हैं जो सही मौके पर वार करते हैं, जो सही मौके पर वार करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, देश का नाम करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।